गुरुवार शाम इंदौर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा गया। इंदौर के MRTN चौराहे पर संतों के साथ महिलाओं ने प्रदीप मिश्रा का विरोध करते हुए पुतला दहन किया और उनके मुंह पर कालिक भी पोता। दरअसल कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी सरकार पर एक टिप्पणी की थी। इसके विरुद्ध में रहवासियों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए MRTN चौराहे पर सद्बुद्धि पाठ किया और प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन किया। इस दौरान लोगों ने मिश्रा के पोस्टर का मुंह भी काला कर दिया। इस दौरान रहवासियों ने कहा कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा के पास करोड़ रुपए का दान आ रहा है और प्रदीप मिश्रा राधा रानी सरकार के खिलाफ अनर्गल तरीके से बयान दे रहे हैं, जो निंदनीय है। आने वाले दिनों में यदि प्रदीप मिश्रा इंदौर में कथा करेंगे तो उसका विरोध किया जाएगा। जी प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा है कि वो अपनी जो कथा करते हैं उस कथा में पहले तो वो मनोरंजन करते थे सास बहू के किस्से सुना सुना कर, लेकिन अब वो इतने अपने आप में घमंडी हो गए हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो हमारी राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका बरसाने से कोई लेना देना नहीं है, वो बरसाने की नहीं है, राधा जी का कृष्ण जी से कोई संबंध नहीं है, राधा रानी कृष्ण जी का जो प्रेम है वो एक काल्पनिक है। तो हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी काल्पनिक बातें जो हैं वो आपको किसने बताई है? आप हमेशा कुछ ना कुछ नया विवादित बयान देते हैं, पब्लिक आपके वहाँ आ रही है तो आपको भगवान पूजने आ रही है, आपको पूजने नहीं आ रही है, आप स्वयं को भगवान बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मत जाओ, कुबेरेश्वर धाम आओ, अभी वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना ही नहीं हुई है वहाँ पे, और पिछले 5 साल से वहाँ पब्लिक जा रही है, चंदा दे रही है, लाखों रुपये अरबों रुपये चंदा आ रहा है, और तुम लोग बोल रहे हो कि भैया ज्योतिर्लिंग मत जाओ। जो ज्योतिर्लिंग में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे उसी में जाने का मना कर रहे हो, तो मतलब सारे ज्योतिर्लिंग का ठेका आपने ले रखा है कुबेरेश्वर धाम के लिए। आज विवादित बयान पे आप लोगों ने क्या किस तरह से प्रदर्शन किया? हम अभी उनका पुतला जलाने वाले हैं कुछ ही क्षण बाद, हमने उनके मुंह पे कालिक भी पोती है और यहाँ पे राधा रानी का नाम जपा है और उनको राधा रानी सद्बुद्धि दे, ऐसी हमारी कामना है कि वो भगवान श्री कृष्ण भगवान राधा, जो कि शिव पुराण में शिव जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं जब तक विष्णु है नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, जब तक मैं पूर्ण नहीं हूँ, मेरी पूर्णता ब्रह्मा विष्णु महेश से ही होगी, तो ये कौन होते हैं जो हमें भगवान के नाम पे अलग कर रहे हैं? मेरा नाम जयसिंह ठाकुर है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।